ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने बीजेपी को घेरा है। हमीरपुर में प्रेम कौशल ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि झूठ का पुलिंदा बनाकर बीजेपी नेताओं ने राफेल मामले में सारे प्रयास किए हैं लेकिन सफल नहीं हो सकी है। कौशल ने कहा कि राफेल में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है जिसका जल्द पर्दाफाश होगा और बीजेपी बेनकाब होगी। राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने बीजेपी को घेरा है। हमीरपुर में प्रेम कौशल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि झूठ का पुलिंदा बनाकर बीजेपी नेताओं ने राफेल मामले में सारे प्रयास किए हैं लेकिन सफल नहीं हो सके हैं। कौशल ने कहा कि राफेल में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है जिसका जल्द पर्दाफाश होगा और बीजेपी बेनकाब होगी। प्रेम कौशल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इस फैसले से साफ हो गया है कि राहुल गांधी बार बार कहते थे कि राफेल में भ्रष्टाचार हुआ लेकिन बीजेपी मानती नहीं थी और अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से सब कुछ साफ हुआ है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से चौकीदार चोर साबित हुआ है और बीजेपी की किरकिरी हुई है। उन्होंने कहा कि इस केस की दोबारा सुनवाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। राफेल को लेकर भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया जो पुनर्विचार विचार याचिका विचाराधीन थी उसके ऊपर, और ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया इस फैसले से स्पष्ट हो गया कि जो राहुल गांधी कहते आ रहे हैं कि चौकीदार चोर है, राफेल में चोरी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, उसको सही साबित करता है। भारत सरकार का जो सॉलिसिटर जनरल है वो उच्चतम न्यायालय में ये दलील दे रहे थे कि जिन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर याचिकाकर्ता ने ये याचिका दायर की है वो सत्यात नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, चोरी किए हुए हैं या फोटोकॉपी, इसलिए इस केस की सुनवाई नहीं होनी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने यह कभी नहीं कहा कि इसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, और अगर इस पर सुनवाई होती है तो इससे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा को ढाल बनाकर जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं और भ्रष्टाचार है उससे केंद्र सरकार बचना चाहती थी, बचने का प्रयास कर रही थी, जिसमें फैसला आने के बाद भारत सरकार को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और प्रधानमंत्री को असफलता मिली है। और ये अब उम्मीद जगी है कि राफेल के मसले में दूध का दूध और पानी का पानी होगा, सच्चाई जनता के सामने आएगी। झूठ का पर्दा डालकर और डराकर धमकाकर ऊंची आवाज़ में बोलकर देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों की आवाज़ को बंद करना चाहती थी, दबाना चाहती थी, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर ऐतिहासिक निर्णय देते हुए उनके इस जो प्रयास है उसको असफल किया है। और उम्मीद जगी है भारतवासियों के अंदर कि राफेल का जो विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है, जो जिसमें लगता है कि प्रधानमंत्री सीधे तौर पर संलिप्त हैं, उजागर होगा, जनता के सामने आएगा और जनता राफेल की सच्चाई जानेगी।